मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि। और कल भी मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल आपको समझाए थे, कुछ सवाल आपको दिए भी थे, और इसी में एक सवाल वो समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर एक और एक का पहला ही सवाल है ये, 3x² - 5x+ के 2 = 0। इसको हम करने से पहले हमें इसकी प्रकृति याद करनी है कि समीकरण का हल होगा या नहीं होगा, और यदि हल होगा तो किस प्रकार का होगा। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको समीकरण से d² - 4ac का मान निकालना है। तो पहले आपने समीकरण से a का मान लिखेंगे, a बराबर होता है x² का गुणांक, और x² का जो गुणांक है इसमें 3 है। b बराबर होता है x का गुणांक, और x का गुणांक जो है -5, और c बराबर अचर पद होता है, और अचर पद का मान 2 है इसमें। अब b² - 4ac का मान निकालेंगे, तो b का मान है -5, तो -5² - 4 × 3 × 2 ये हो गए -5 का वर्ग 25। इन तीनों का गुणा करा तो 24 हो गए, और 25 में से 24 गया तो 1 बचा। ये 1 जो बचा है वो 1 0 से बड़ा मान है, चूंकि b² - 4ac > 0। समीकरण के हलों का अस्तित्व होगा, समीकरण के हलों का अस्तित्व होगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही था कि भाई समीकरण के हलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो यदि हम इस समीकरण को हल करेंगे तो उस समीकरण के हल अवश्य निकलेंगे, और हल भी कैसे होंगे, वास्तविक एवं पृथक पृथक होंगे। और इसके इन हलों को जो है हमें वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालना है। यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगाएंगे हम इसमें। इससे पहले जो है हम गुणनफल विधि से सीख चुके हैं, अब हम जो सीख रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। और इस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो हमारा ये समीकरण है 3x² - 5x+2 = 0, इसका पहला पॉइंट आपको मैंने समझाया था कि भाई जो अचर पद है इसका उसका पक्षांतर करना है। 3x² - 5x = इस 2 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का 2 उठ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब दूसरे पेज में आपको बताया था कि x² का जो गुणांक है उस गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना है। x² के गुणांक 3 का प्रत्येक पद में भाग देने का एक स्टेप नंबर 2 है हमारा। तो x² का गुणांक 3 है इसमें, 3x² - 5x³ और बराबर -2/3। जब 3 से 3 बच गया तो x² - 5/3x = -2/3 हो गया। ये अब अगला स्टेप है हमारा x का गुणांक, और x का गुणांक -5/3 का आधा, और इसका आधा हो गया -5/6, और इस माइनस के 5/6 का वर्ग हो गया 25/36। इस 25/36 को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे हम, दोनों पक्षों में जोड़ने को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, x² - 5/3x = -2/3 और प्लस के 25/36। इसको दोनों तरफ जोड़ेंगे। अब अगले स्टेप में हम आपको क्या करना है वो देखिए, टेबल यहाँ नहीं हो रहा है, प्लस के 5 25/36 बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ना है। अब अगले स्टेप में आपको मैंने बताया था कि पहले कोष्ठक
लगाना है और कोष्ठक के अंदर पहले x लिखेंगे और x के साथ ये जो x के मान पे इसका आधा बनाएंगे, आधा है इसका माइनस के पांच लगेज है, इन दोनों को कोष्ठक में लिख करके इसके ऊपर और इसका लगा देंगे। और दाहिने पक्ष ने आपको बताया था कि लघुतम लेकर के हल करना है, तीन का और छत्तीस का लघुतम 36 आ गया, में तीन का वाक्य 12 को मैंने दो से गुणा करा माइनस 24, 36 में 36 का भाग दिया एक और एक को 25 से गुणा करा दो, ये आगे एक्स माइनस पांच बटे छह होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 गया तो एक और बटे में 36 आ गया, तो एक्स माइनस पांच बटे छह बराबर। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए, इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर अंडर रूट लगाएंगे, एक बटे 36 हो गया अंडर रूट में, तो x माइनस के पांच बटे छह बराबर। अंडर रूट हटाने का नियम होता है कि पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है, अब एक को वर्ग होता है एक का, 36 वर्ग होता है छह का, तो इसका वर्गमूल आ गया प्लस माइनस में एक बटे छह, और x माइनस पांच बटे छह के बराबर में पहले प्लस का एक बटे छह रखेंगे, फिर x माइनस पांच बटे छह के बराबर माइनस का एक बटे छह रखेंगे। एक्स को तो बाएं पक्ष में रखना है, संख्या का पक्षांतर दाहिने पक्ष में करना है, तो माइनस के पांच बटे छह उधर गए प्लस के हो गए, तो एक्स बराबर छह लघुतम ये हो गया एक प्लस पांच, तो एक्स बराबर छह बटे छह, ऐसे छह एक पर कट गया तो एक्स बराबर एक इसका आंसर है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस एक बटे छह प्लस हो जाएंगे माइनस पांच बटे छह उधर जाके छह लघुतम लिया माइनस एक प्लस पांच और एक्स बराबर चार बटे छह, दो किया छह दो भी चार और एक्स बराबर आ गया दो बटे तीन। इस तरीके से एक्स के दो मान आ गए एक्स बराबर एक और एक्स बराबर दो बटे तीन। तो विधि थोड़ी लंबी पड़ती है हमारी, लेकिन हमें एक एक स्टेप को समझते हुए चलना है और समझ करके वापस वो करना है, फिर हमें नॉर्मल रूटीन बता दें। एक और मैं सवाल उनसे का लेते हैं, तो सवाल है चार एक्स स्क्वायर माइनस चार अंडर रूट तीन एक्स प्लस तीन बराबर है, इसका हल अपन को निकालना है वही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो सबसे पहला स्टेप हमारा अचर पद, इस अचर पद का पक्षांतर करना है, ये प्लस का तीन है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो गया चार एक्स स्क्वायर माइनस चार अंडर रूट तीन एक्स और प्लस का तीन पक्ष उधर के उधर गया तो माइनस का तीन हो गया। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक चार का प्रत्येक पद में भाग देना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक चार का प्रत्येक पद में भाग देंगे, प्रत्येक पद में भाग देने पर ये हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर बटे चार माइनस चार अंदर जो तीन एक्स बटे चार बराबर माइनस तीन बटे चार, ये चार से चार कट गया, ये चार से चार कट गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस इधर बचा अंदर जो तीन और यहाँ बचा माइनस तीन बटे चार। अब एक्स का गुणांक ये x हो गया, x का गुणांक माइनस अंडर रूट तीन, x का ये जो आगे संख्या है वो इसका गुणांक कहलाता है, तो x का गुणांक माइनस अंडर रूट तीन का आधा, आधा करने के लिए दो का भाग दिया जाता है, तो माइनस के अंडर रूट तीन बटे दो इसका आधा हो गया का वर्ग और इसका वर्ग हो गया प्लस का तीन बटे चार, माइनस की संख्या का वर्ग करने पर हमेशा प्लस का आता है, तो तीन बटे चार दोनों पक्षों में जोड़ेंगे हम, दोनों तरफ जोड़ेंगे, बाएं पक्ष में भी जोड़ना है और दाएं पक्ष में भी जोड़ना है, तो दोनों तरफ उसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट तीन एक्स बराबर प्लस तीन बटे चार बराबर माइनस का तीन बटे चार और प्लस का तीन बटे चार, माइनस तीन बटे चार तो ऑलरेडी है और ये प्लस का तीन बटे चार जोड़ दिया, एक प्लस का एक माइनस का है कट जाएगा, ये अब इधर पहले कोष्ठक लिखेंगे, कोष्ठक में एक्स लिखेंगे और एक्स के साथ इसके गुणांक का आधा लिखेंगे, तो आधा
चार्ज का जो है वो है माइनस के अंदर तीन बटे दो, और इसमें लिखेंगे माइनस अंडर तीन बटे दो, और इसका और इसका लगाएंगे इधर जीरो बचा है। अब इसके ऊपर डाट दो लगी है तो उसका दो बल लिखेंगे एक्स माइनस अंडर तीन बटे दो और एक्स माइनस के अंदर तीन बटे दो बराबर जीरो बटे, दोनों सेम करंट खंड आया तो उसका सेम आएगा दोनों, तो एक्स माइनस अंडर तीन मतलब दो बराबर जीरो, ये आ गया एक्स बराबर अंडर तीन बटे दो। इसी तरीके से इससे निकलेगा x माइनस अंडर तीन बटे दो बराबर जीरो और x बराबर अंडर तीन बटे दो आ गया। इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। तो भी सवाल बचे हैं आप आपसे देखे हैं उनको, और जो जो मैंने बता दिए हैं उनको आप निकाल लें। अब एक प्रॉब्लम थी तीन पॉइंट तीन से, एक विद्यार्थी की प्रॉब्लम थी दूसरे का दसवां सवाल का दो, और सवाल था चार एक्स स्क्वायर माइनस चार ए स्क्वायर एक्स प्लस ए की घात चार माइनस बी की घात चार बराबर जीरो। गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल करना था, कैसे हल करेंगे वो देखिए। हमें चार एक्स स्क्वायर माइनस चार ए स्क्वायर एक्स प्लस से ए और प्लस से गुणा करेंगे कौन सा का, तो ये का ही आएगा प्लस ए की घात चार माइनस बी की घात चार बराबर जीरो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर तीन पर रख रहे हैं चार एक्स स्क्वायर माइनस चार ए स्क्वायर एक्स प्लस ए की घात चार माइनस बी की घात चार का अगर नुकसान कर देंगे प्लस के हो जाएंगे। अब चार एक्स स्क्वायर को लिखेंगे दो एक्स का स्क्वायर माइनस लगा है माइनस दो लिख करके दो पहुंचकर ए की घात चार का मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी की घात चार का मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए का मान इसमें है दो एक्स और बी का मान है ए स्क्वायर। अब एक सरल समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए की जगह है टू एक्स माइनस बी की जगह है ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेने हम वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे ये आ गया दो एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ गया, और वर्गमूल लेने पर पहले प्लस माइनस और इसका वर्गमूल आ गया बी स्क्वायर, तो एक पर तो हम रखेंगे दो एक्स माइनस ए स्क्वायर के बराबर में प्लस का बी स्क्वायर और एक बार दो एक्स माइनस ए स्क्वायर के बराबर रखेंगे माइनस बी स्क्वायर। तो पहले देखेंगे दो एक्स बराबर ये माइनस का ए स्क्वायर बदल जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर को यही माइनस का ए स्क्वायर अगर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बने में, तो ये इसका पहला उत्तर आ गया। इसी प्रकार इसको रखेंगे हम ये आ गया टू एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर और टू एक्स बराबर माइनस का ए स्क्वायर उधर गया प्लस का ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में दो। इस तरीके से इसके एक्स के दो मान आ जाएंगे। शेष तर्क जो है हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।